बिहार के भागलपुर में अपराधियों ने सरे बाजार एक महिला के कई अंगों को काटकर मार डाला। इस खौफनाक वारदात में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस अपराध को जिस तरह अंजाम दिया गया उससे हर कोई सकते में नजर आया। बताया गया कि महिला पीरपैंती बाजार से पैदल लौट रही थी, तब घात लगाए आरोपियों ने चॉपर से महिला पर हमला कर दिया और उसके हाथ पैर कान तो काटे ही, साथ ही उसकी छाती और पीठ पर भी धारदार हथियार से कई वार किए। कई अंग कटने से बुरी तरह लहूलुहान महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हमले के बाद घायल महिला को अस्पताल के लोगों ने रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। हालांकि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया गया कि हमले की ताक में बैठे अपराधियों ने चॉपर को गमछे में छुपा रखा था और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जल्दबाजी में वो गमछा और चप्पल मौके पर ही छोड़कर भाग गए। हालांकि अस्पताल में महिला ने भी दम तोड़ने से पहले हमलावरों के नाम लिए, जिसके आधार पर पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ झगड़ा जानलेवा हमले में बदल गया। मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी, इस कारण से दोनों के बीच में काफी विवाद होते रहता था। एक महीना पहले भी दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था। दरअसल पीड़ित और आरोपी के परिवार एक ही जगह रहते थे और दोनों परिवारों में घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। जांच के दौरान पता चला कि पीड़ित पक्ष ने बेटी की शादी के लिए मुख्य आरोपी शकील मियां से कुछ पैसे लिए थे। आरोपियों ने कुछ समय पहले पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन जब पीड़ित पक्ष ने इस वक्त पैसे लौटा पाने की हालत नहीं बताई तो झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के बाद जब पीड़ित पक्ष ने आरोपियों को अपने घर आने से मना कर दिया तो नौबत बर्बर हत्याकांड तक पहुंच गई। इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार बढ़ती ठंड और बिजली संकट से जूझ रहे यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना ने डोनेस्क और ज़ेपोरेजिया स्थित बिजली संयंत्रों को निशाना बनाते हुए भयंकर बमबारी की, जिससे न सिर्फ यूक्रेन के पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा बल्कि कई रिहायशी इलाके भी मलबे में तब्दील हो गए। ज़ेपोरेजिया में तो मिसाइल हमले की वजह से एक पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, लोगों के घर खंडर बन गए, जबकि दो लोगों की मौत हो गई। Я даже сразу вот побачила яму и побачила эту машину сусідську, що така розбита, і люди лежать біля машини. Це сусідів обох убило. Біля машини вони стояли, вони провожали сина і невістку. हालांकि इसी दौरान रूस की मिसाइलों ने डोनेस्क में भी कहर बरपाया। यहां कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। हमले के बाद इन इमारतों से धुआं निकलता नजर आया और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाते दिखे। रूस की ओर से किए गए मिसाइल हमलों की वजह से दर्जनों इमारतों की दीवारें ढह गई, दरवाजे खिड़कियां टूटकर बिखर गए, घरों में रखा सामान मलबे में दब गया और लोगों को इलाका खाली कर भागना पड़ा। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने ये हमला तब किया जब यूक्रेन ने उसके दो एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया। रूस की माने तो यूक्रेन के इस हमले में उसके तीन लोगों की मौत भी हो गई। जबकि रूसी सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने कहा कि इस ड्रोन हमले में वायुसेना को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава находившихся на аэродроме. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने रूस की 60 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया। Наше здоров'я. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО. Більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні. के लिए कीव में लोग मेट्रो स्टेशन में पनाह लिए दिखे। उधर यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रिमिया ब्रिज का मुआयना करने पहुंचे, जिसे यूक्रेन ने इसी साल अक्टूबर में एक धमाके से उड़ा दिया था। लेकिन अब रूस के इस पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को बनाया जा रहा है, जिसका मुआयना करने पुतिन खुद मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुतिन ने क्रिमिया ब्रिज पर खुद ही गाड़ी चलाई, जबकि वहां मौजूद बिल्डर से पुल के काम की जानकारी ली। इस दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री मराद खुसनुलीन ने पुतिन को बताया कि क्रिमिया ब्रिज के तबाह हो चुके हिस्से का काम लगभग पूरा कर लिया गया है, बाकी बचा काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर व्लादिमीर पुतिन ने खुशी जाहिर की और कहा कि जितने कम समय में काम पूरा हो जाए उतना अच्छा होगा।
आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले इस पुल के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया गया था। एक ट्रक में एक्सप्लोसिव भरकर लाया गया, जिससे पुल पर विस्फोट कराया गया था और इसी के बाद रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया था। टेस्ला और ट्विटर जैसी कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क का स्टार्टअप न्यूरालिंक विवादों में फंसता दिख रहा है। एलॉन मस्क का दावा है कि न्यूरालिंक के ब्रेन चिप की मदद से दिव्यांग या लकवे का शिकार व्यक्ति शरीर सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर सकेगा, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने पशु कल्याण कानूनों के उल्लंघन के मामले में न्यूरालिंक की जांच शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी ब्रेन चिप का पशु परीक्षण जल्दबाजी में कर रही है। रॉयटर्स ने न्यूरालिंक के 20 से ज्यादा पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि ब्रेन चिप के परीक्षण के दौरान करीब 1500 से ज्यादा जानवर मारे गए हैं। कई कर्मचारियों ने यह भी दावा किया है कि मस्क उन पर पशु परीक्षण में तेजी लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयोग पूरा होने के बाद जानवरों को आमतौर पर मार दिया जाता है। कुछ दिन पहले ब्रेन चिप की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एलॉन मस्क ने कंप्यूटर चला रहे एक बंदर का वीडियो भी साझा किया था। मस्क ने कहा था कि अगले 6 महीने में ब्रेन चिप का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे, लेकिन अब पशु कल्याण नियमों के उल्लंघन की बात सामने आने के बाद ब्रेन चिप के ह्यूमन ट्रायल में देरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में 4 नवजातों की मौत से हड़कंप मच गया। बच्चों के घर वालों का आरोप है कि रात में मेडिकल कॉलेज की बिजली 4 घंटे तक गायब रही और इस दौरान जनरेटर भी नहीं चले, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई। सुबह अस्पताल प्रबंधन ने जब बच्चों की मौत की जानकारी उनके घर वालों को दी तो अस्पताल में चीख पुकार मच गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। कल रात को लाइट भी नहीं था, उसके बाद सुबह आधा 1 घंटा पहले बताया कि डेट हो गई बोलके। 4 बच्चों की मौत की खबर मिलते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल पहुंचे और गुस्साए परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए। लोगों का आरोप है वेंटिलेटर बंद होने की वजह से बच्चों की जान गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को गलत बताया। लाइट बोल से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। लाइट बोल आज आ रही थी, तत्काल निरंतर रूप से बंद बाधित हुई ऐसा नहीं है। वहीं क्रिसमस के त्योहार में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, ऐसे में जश्न की तैयारियां जोरों पर है। ऑस्ट्रेलिया में बिजली की बढ़ी कीमतें लोगों के उत्साह को झटका नहीं दे पाई है। बिजली महंगी होने के बावजूद लोग क्रिसमस डेकोरेशन पर पूरा खर्चा कर रहे हैं और घरों को सजा रहे हैं। अमेरिका में क्रिसमस के लिए बाजार सज चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर में क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जिस पर 50,000 लाइट्स के साथ सजावट की गई है। नासा का ओरियन कैप्सूल चांद के बेहद करीब पहुंचने के बाद अब वापसी कर रहा है। नासा ने नई तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि 11 दिसंबर को ओरियन कैप्सूल पृथ्वी पर वापस लौटेगा और इसी के साथ आर्टेमिस 1 मून मिशन खत्म होगा। पूर्व एशियाई देश मंगोलिया में लोग भ्रष्टाचार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विंटर सेशन के दूसरे दिन यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था होने का जिक्र किया और दावा किया कि देश के दूसरे हिस्सों में यूपी मॉडल अब एक मिसाल बन गया है। जाहिर है देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह अपराधियों को काबू में करने के लिए बुलडोजर का चलन बढ़ा, मुख्यमंत्री के जहन में वो बात रही होगी। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को दे करके उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। मुख्यमंत्री ने राज्य में हर साल होने वाले दंगों का विस्तार से जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनके शासनकाल में दंगों पर जिस तरह रोक लगी उसकी बात जरूर की। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में दंगों पर रोक लगी और अपराधियों से सख्ती से निपटा गया, इसमें कोई शक नहीं।